फिल्म के शुरुआत में हम एक आर्मी के ट्रांसपोर्ट कन्वे को देखते हैं, जो कि एक टॉप सीक्रेट असेट को एरिया 51 से कई और ले जा रहे थे। उसी रोड से एक न्यूली वेडेड कपल काफी एक्साइटमेंट के साथ जा रहे थे और उनके एक गलती के कारण उनकी कार आर्मी के कंटेनर कार से टकरा जाती है। कंटेनर ओपन हो जाता है और उसमें से काफी पावरफुल बिंग को बाहर आते हुए देखते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि एक सुपर ह्यूमन जॉम्बी था, जो कि सारे सैनिकों को काटकर उन्हें भी जॉम्बी बना देता है। वो ह्यूमन जॉम्बी और बाकी बने जॉम्बीज लास वेगास के दिशा में निकलते हैं, पर वहाँ पे कई हजारों संख्या में लोगों को काटकर पूरे शहर को जॉम्बी में बदल देते हैं। हम अब उस ओरिजिनल जॉम्बी को एक गॉड ज्यूस के स्टैचू के सामने देखते हैं, इम्प्लाइंग कि वो उसकी ही तरह है। मूवी में उसका नाम भी यूसी रखा गया है। गवर्नमेंट अब आर्मी को भेजकर सभी जॉम्बीज को मारने लगती है और वेगास शहर को कंटेनर से ढककर उसे क्वारंटीन जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसी बीच हम कुछ लोकल सर्विलांस को भी देखते हैं, जो कि जिंदा रहने के लिए उन जॉम्बीज को मार रहे थे। इनमें से एक था स्कॉट वर्ड, जो कि एक फॉर्मर सिक्योरिटी एजेंट था। उसने अपनी पत्नी को मार डाला था क्योंकि वो जॉम्बी में कन्वर्ट हो गई थी। उसका केट नाम का एक बेटी भी थी और वो उसके गिल्ट में जी रहा था। अब कुछ 6 साल बीत जाते हैं। लास वेगास में एक साइड में इंसान तो दूसरे साइड में जॉम्बी रह रहे थे और गवर्नमेंट उन जॉम्बी पर न्यूक्लियर अटैक करने वाली थी। दूसरी जगह स्कॉट को देखते हैं, जो सर्वाइव कर रहा था। तभी तनाका नाम का एक कैसीनो ओनर स्कॉट से मिलने आता है, क्योंकि जॉम्बी जोन में उसका एक लॉकर था जिसके बेसमेंट में सीक्रेट लॉकर में उसने $200 मिलियन का कैश रखा हुआ था। तनाका न्यूक्लियर बॉम्ब फटने से पहले उसे निकलकर भागना चाहता था। वो स्कॉट को मदद के लिए $50 मिलियन का ऑफर करता है और स्कॉट उसका ऑफर मान जाता है। अब वो अपनी एक टीम बनाने लगता है जिन्होंने उसे फर्स्ट टाइम भी मदद की थी। इस टीम के अंदर शामिल थे मारिया क्रूज वेंडरोवा, एक हेलीकॉप्टर पायलट मैरियन, एक जर्मन लॉका ओपेनर लुडविक, माइकी गैसमैन नाम का एक मेक्सिकन शार्प शूटर जो सोशल मीडिया पर जॉम्बी किलिंग के लिए फेमस हो गया था। माइकी अपने साथ में कुछ साथियों को भी लाता है। अब लास वेगास शहर के बाहर में एक बफर जोन था जहां नॉन इन्फेक्टेड लोगों को ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया था। मोस्टली यहां पर इलीगल इमिग्रेंट थे और स्कॉट की बेटी केट वहां पर सोशल वर्कर थी। हम अब गीता नाम के एक मेक्सिकन लेडी को देखते हैं, जो कि एक सिंगल मदर थी। वो अपने बच्चों को यहां से शिफ्ट करने में लगी हुई थी। कैंप में ही एक और लेडी थी लिली, जो कि अक्सर जॉम्बी जोन में जाकर पैसे और कीमती चीजों को चुराया करती थी। इमिग्रेंट्स पैसों के लिए रिस्क भी ले रहे थे। गीता का भी यहाँ पर प्लान कुछ यही था, पर केट उसको रोक लेती है। इस कैंप के अंदर हम बर्ट नाम के एक गार्ड को भी देखते हैं, जो कि रिफ्यूजीज को हैरस करता रहता था। वो केट और गीता से भी काफी ज्यादा बदतमीजी करता है। अब तनाका स्कॉट को अपने कैसीनो का नक्शा देता है और स्कैप प्लान भी बताता है कि जॉम्बी जोन में जाना है, लॉकर खोलना है, पैसे निकालना है और रूफ पर आ जाना है। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी है, उसे फ्यूल डालकर उड़ जाना है। इसके लिए वो अपने एक एजेंट मार्टिन को भी साथ भेजता है। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। अब हम गीता को देखते हैं, जो कि केट के मना करने के बावजूद लिली के साथ जॉम्बी जोन में चली जाती है। ऐसे उसको पैसे चाहिए ही चाहिए थे। केट को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगले सुबह स्कॉट और उसकी टीम कैंप पर आती है। अब स्कॉट केट को अपना प्लान बताकर एक गार्ड मांगता है। केट एंड स्कॉट के रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि स्कॉट ने केट से एक बार भी बात नहीं की थी, यानी कि उसकी मॉम के डेथ के बाद में। अगले दिन केट लिली को देखती है, जो कि जॉम्बी जोन से अकेली वापस आ रही थी। गीता वहाँ पर कहीं खो गई थी या फिर वो भी जॉम्बी बन गई थी। केट लिली पर गुस्सा करके ये कहती है कि उसके दो बच्चे थे और ये बात लिली नहीं जानती थी। स्कॉट लिली को गाइड करके उसे हायर करता है, तो केट भी उनके साथ जाने की जिद करती है, क्योंकि उसे वहाँ पर गीता को ढूंढना था। स्कॉट के मना करने के बाद भी वो मानती नहीं। लिली भी अब बर्ट को हायर करती है और उसे $2000 का ऑफर करती है और बर्ट मान जाता है। सभी लोग अब एक कंटेनर के जरिए जॉम्बी जोन में घुसते हैं। पहले वो एक जॉम्बी टाइगर को देखते हैं और वह जाते ही लिली बर्ट के पैर पर गोली चला देती है और सबसे ये कहती है कि यहाँ पर दो टाइप के जॉम्बी हैं, एक अल्फा और एक नॉर्मल। अल्फा जॉम्बीज जो कि इंटेलिजेंट और लीडर हैं, उनके ऑर्डर नॉर्मल जॉम्बीज मानते हैं। उनके इलाके में घुसने के लिए उन्हें कुछ ऑफर करना होगा, फिर वो हम पर अटैक नहीं करेंगे। फिर हम एक अल्फा फीमेल जॉम्बी और उसके साथी को देखते हैं, जो कि आकर बर्ट को ले जाते हैं। सभी लोग कैसीनो की तरह बढ़ रहे होते हैं, जिसको ज्यूस ओलंपिक स्टैचू पर छत से देख रहा था। अब वो फीमेल जॉम्बी बर्ट को बिल्डिंग में लाती है, जहाँ सैकड़ों नॉर्मल जॉम्बीज थे।
अब ज्यूस वहाँ पर आता है और हमको पता चलता है कि वो फीमेल ज़ॉम्बी यानी कि क्वीन ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट है, जिससे ज्यूस काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बल्ट को काट कर फेंक देता है, जिससे बाकी सारे ज़ॉम्बीज उसको काटने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि लिली सबको लेके मेन रोड के बजाय बिल्डिंग के अंदर से जाने लगती है, जहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज हाइबरनेशन मोड में थे यानी कि सो रहे थे। स्कॉट तब सबके लिए ग्लो स्टिक से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगता है। माइकी के फ्रेंड चैम्बर्स में जाते टाइम एक ज़ॉम्बी से टकरा जाती है, जिससे वो उठ जाते हैं। उस पे गोली मारने के चक्कर में कई सारे और ज़ॉम्बी जगने लगते हैं, जिससे ये लोग फौरन भाग जाते हैं। ज़ॉम्बी ज्यादा होने की वजह से माइकी की फ्रेंड खुद को उड़ाकर उन ज़ॉम्बीज को मार देती है। स्कॉट की टीम फाइनली कैसीनो पर आ जाती है। उन्हें वहाँ पर वैसे ही मैप मिलता है जैसे तनाका ने उसे दिया था, मीनिंग कि ये टीम उसकी पहली टीम नहीं थी, यानी कि तनाका ने इससे पहले कई और लोगों को कुर्बान कर दिया था। अब टीम यहाँ पर स्प्लिट हो जाती है। अब मैरिया एंड मैरियन ऊपर रूफ पर हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरने जाते हैं। स्कॉट एंड केट बिल्डिंग के इलेक्ट्रिसिटी को वापस लाने जाते हैं और दोनों बाप बेटी अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर लेते हैं। केट असल में उससे इसीलिए नाराज था कि उसके मॉम की डेथ के बाद स्कॉट उससे मिलने भी नहीं आए और उससे कभी बात भी नहीं की। मीनवाइल लिली एंड मार्टिन कैसीनो के बाहर ही गार्ड करने लगते हैं। मार्टिन को क्वीन के ब्लड का सैंपल चाहिए था, इसलिए वो लिली से एक डील करता है। लिली हवा में गन फायर करके क्वीन को सिग्नल देती है। अब माइक लुडविक और विंदारोवा लॉकर के पास जाकर उसे खोलने लगते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी कुछ डेड बॉडीज थी जो कि पहली टीम की थी। वो लॉकर रूम एक रास्ते के पीछे था, जिसे देखकर लगता है कि वहाँ पर ट्रैप्स होंगे। विंदारोवा एक ज़ॉम्बी को पकड़कर लाता है और उसे उस रास्ते में भेज देता है। उस पर पहले तो कुछ लीथल इंजेक्शन गिरता है, गोलियाँ चलती है और फाइनली एक ब्लेड आकर उसे काट डालता है। हम ये देखते हैं कि गीता जी उसके ओलंपियस टावर में है, उसके साथ दो और लेडीज भी है। केट अब कैसीनो से भागकर गीता को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लिली और मार्टिन के सामने क्वीन ज़ॉम्बी आती है, जिससे मार्टिन गोली चलाकर उसकी मुंडी को काट देता है, जिसे वो बैग में रख लेता है। वो अब तनाका का रियल प्लान बताता है कि उसे पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि ज़ॉम्बी ब्लड में इंटरेस्ट है। असल में इससे आर्मी जो है अपने हुक्म को मानने वाले ज़ॉम्बीज की एक पूरी सेना बना सकती है, इसलिए वहाँ पर वो आया है। लिली इससे डर जाती है क्योंकि उसे पता था ज्यूस उसकी क्वीन ज़ॉम्बी की मरने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। दूसरी तरफ टीम को ये बात पता चलती है कि गवर्नमेंट अब एक घंटे में न्यूक्लियर स्ट्राइक करने वाली है। उन्होंने स्ट्राइक का टाइम कम कर दिया था। लुडविक एक लॉकर खोल रहा था, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। उसके अंदर पैसा ही पैसा था। सभी लोग बैग्स में पैसे भरने लगते हैं। ज्यूस को क्वीन ज़ॉम्बी की बॉडी दिखती है, जिसे देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो उसकी बॉडी को अपने टावर में ले जाता है। उसका बच्चा भी अब मर गया था। वो स्कॉट की टीम पर हमला का ऑर्डर दे देता है। सभी ज़ॉम्बीज अब कैसीनो पर आ गए थे। सबसे पहले ज़ॉम्बी मारिया को मारते हैं और मार्टिन बिल्डिंग से भागने लगता है। वो सभी को लॉकर रूम में बंद करके उन्हें वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है। कैसीनो से बाहर ही उसे ज़ॉम्बी टाइगर खा जाता है। ज़ियूस भी अब लॉकर रूम में आ जाता है। विंदारोवा और लुडविक पर वो हमला करता है। लुडविक विंदारोवा को बचाने जाता है और उसको लॉकर में ही बंद कर देता है। स्कॉट लिली एंड माइकी ज़ॉम्बीज को मारते हुए बिल्डिंग में ऊपर की तरफ आने लगते हैं। माइकी पर ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं तो सबकी जान बचाने के लिए वो अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। रूफ पर मैरियन ने हेलीकॉप्टर रेडी कर रखा हुआ था। जैसे ही स्कॉट उसमें चढ़ने लगता है, ज़ियूस वहाँ पर आ जाता है। लिली अपने बैग में से क्वीन की मुंडी निकलकर उस पे गन तन देती है। दरअसल उसने ये मुंडी मार्टिन के बैग में से पहले ही चोरी कर ली थी। वो स्कॉट को उसे छोड़ के जाने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर खास बात ये थी कि ज़ॉम्बीज की पावर उनके दिमाग में होती थी और क्वीन की मुंडी काटने के बाद भी वो जिंदा थी। ज़ियूस उसको बचाने जाता है। वो लिली पर भाला फेंकता है, जो कि लिली के दिल के आर पार हो जाता है। मरते टाइम लिली मुंडी को नीचे फेंक देती है, जिससे क्वीन फाइनली मर जाती है और स्कॉट हेलीकॉप्टर के साथ उड़ जाता है। वो केट को बचाने ओलंपस टावर में जाता है, जहाँ पर केट एंड गीता थी। केट गीता और दो लेडीज को लेकर ऊपर आ रही थी और फिर ज़ियूस भी वहाँ पर आकर उन पर ज़ॉम्बीज छोड़ देता है। उसी वक्त स्कॉट भी वहाँ पर आकर सबको मारता है और सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से भागता है। इस बार ज़ियूस भी हेलीकॉप्टर पर जंप कर देता है, जिससे मैरियन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ज़ियूस के साथ ज़ॉम्बी जोन से बाहर जाने लगती है। हेलीकॉप्टर के अंदर स्कॉट ज़ियूस के सर में गोली मार के उसे मारता है, पर ज़ियूस ने उसे पहले ही काट लिया था और स्कॉट भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। इनका हेलीकॉप्टर जोन से काफी ज्यादा दूर जाकर क्रैश हो जाता है। फिर एक न्यूक्लियर मिसाइल आकर पूरे ज़ॉम्बी जोन को उड़ा देती है।
फिर हम केट को होश में आते हुए देखते हैं, जो कि स्कॉट को तड़पते हुए देखती है। वो उसको सॉरी बोलती है और फाइनली उसको गुड बाय बोलती है। वो उसके सर में गोली मारकर आखिरी बच्चे जॉम्बी को भी खत्म कर देती है। अब दोस्तों उस रात हम वेंडरोवा को देखते हैं, जो कि लॉकर रूम से पैसों के साथ बाहर निकलता है। वो एक प्राइवेट सीट रेंट पर लेता है। प्लेन में उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ने लगती है, जहां उसको ये पता चलता है कि ज्यूस ने उसको काट लिया था। और यहां पर वेंडरोवा अब एक नया अल्फा जॉम्बी बन जाता है। और इसी के साथ मूवी यहां पर खत्म हो जाती है।